दास्तान है अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हा के बेटे के वफात की। हजरत अबू तलहा अंसारी रसूले खुदा के जलील अल कद्र सहाबी थे। जंगे उहद में वो रसूले खुदा के सपर बन के आपके आगे खड़े कफार की तरफ तीरंदाजी करते रहे। रसूले खुदा खड़े होकर उनके अहदाफ को देखते तो अबू तलहा आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से कहते, या रसूल अल्लाह, मेरा सीना आपके लिए सपर है और जो तीर आपकी जानब आएगा मैं उसे अपने सीने पर रोक लूंगा। अबू तलहा अंसारी का एक बेटा था जो उन्हें बहुत ज्यादा अजीज था। वो बच्चा बीमार हुआ तो उसकी वालदा उम्मे सलीम, जो के इस्लाम की जलील कद्र खातून थी, अबू तलहा को रसूल खुदा की खिदमत में भेजा। इस दौरान बच्चा फौत हो गया। उम्मे सलीम ने उसकी लाश चादर में लपेट कर मकान के कोने में रख दी और अबू तलहा के लिए खाना तैयार किया। खुद भी तैयार हुई, खुशबू लगाई। अबू तलहा दरबारे नबूवत से जब वापस आए तो बच्चे की खैरियत दरियाफ्त की। चूंकि बच्चा फौत हो चुका था तो बीवी ने बताया कि बच्चा इस वक्त सो रहा है। अबू तलहा ने कहा कि खाना ले आओ। बीवी ने शोहर को खाना दिया। तब उम्मे सलीम ने अपने शोहर अबू तलहा से कहा कि चंद दिन कबल किसी ने मेरे पास एक इमानत रखी थी, आज वो इमानत अपनी लेकर चला गया है, तुम्हें इसका कोई अफसोस तो नहीं? अबू तलहा ने अपनी बीवी से कहा कि इसमें अफसोस करने वाली क्या बात है, वो माल का मालिक है, जब चाहे अपनी इमानत वापस ले ले। उम्मे सलीम ने कहा कि अल्लाह ने आपको एक बेटा अमानत के तौर पर दिया था और आज उसने अपनी ये अमानत वापस ले ली है। अबू तलहा ने कहा, जब तू माँ होकर इतना सबर कर रही है तो मैं भी बाप होकर सबर करूंगा और अल्लाह की रजा पर राजी रहूंगा। फिर अबू तलहा ने उठकर गुसल किया, दो रकत नमाज पढ़ी और रसूले खुदा की खिदमत में हाजिर होकर अपनी बीवी उम्मे सलीम की बात बयान की। रसूले खुदा ये सुनकर बहुत खुश हुए और फरमाया, खुदा तुम्हारी आज की इस मुलाकात में बरकत दे। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी उम्मत में भी अल्लाह ने बनी इसराइल की साबरा खतून जैसी खतून पैदा की है।